परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने अपने सद ग्रंथों में जो वर्णन किया है वह सब हमारे मंगल के लिए, हमारे उद्धार के लिए और जीवन में दुख कष्ट बाधा विघ्न से छुटकारा पाने के लिए सत पथ पर चल करके परम सुख परम धाम परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, उसके लिए गुरु महाराज ने जो साधन वर्णन किए हैं, जो नियम वर्णन किए हैं, जो मार्ग दिया है, जो पथ प्रदर्शन किया है, साधक उस पर विचार करे, मनन करे, चिंतन करे, अपना निरीक्षण करे, जहां पर भी कोई कमी है, कोई त्रुटि है, उसको दूर करने का प्रयत्न करे। श्रीमद् भगवद गीता प्रमाण है। भगवान जो ये ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को निमित्त बना करके, वास्तव में अर्जुन द्वारा हम सबको जो संदेश मिल रहा है, भगवान का जो संदेश अर्जुन को दिया है, वास्तव में मानव जाति के लिए वह संदेश स्वयं उस परमात्मा ने हम सब तक पहुंचाया। इसकी विशेषता ही ये है, ये ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने अर्जुन को दिया। गुरु महाराज ने कहा, गीता का पाठक प्रत्येक अपने आप को यह भाव रखे कि अर्जुन मैं ही हूं, मेरे में ही कायरता है, अकर्मणता है, इत्यादि जो दुर्गुण है मेरे में ही तो है, भगवान उनको दूर करने के लिए मुझे ही उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं। अब जो भगवान ने वर्णन किया हुआ, जो गीता का 13वां अध्याय चल रहा है, 7 श्लोक से लेके 11 श्लोक तक, अब 11 के पश्चात 12 से लेके 18 तक भगवान स्पष्ट कर देवेंगे विशेषता क्या होगी। इस ज्ञान को जो स्वीकार करके समझ लेता है, विडंबना देखिए, उसकी विलक्षणता, उसकी कृपालता, उसकी दया दृष्टि, वह दयालु जो कहा उसको तूने मान लिया और समझ लिया, भगवान ने स्वयं कहा, हे अर्जुन, यह वह ज्ञान है। मनुष्य जिसको जानकर अमर तत्व प्राप्त कर लेता है, क्योंकि पिछले दिनों से प्रसंग चल रहा है ब्रह्म की प्राप्ति, अमर तत्व, मोक्ष धाम एक ही है, वह सब नाम अलग अलग है, अलग नाम से पुकारा गया, मोक्ष कह लो, ब्रह्म धाम कह लो, अमर तत्व की प्राप्ति कह लो, वह एक ही बात है। अब यह जो ज्ञान 13वें अध्याय में भगवान ने वर्णन किया है, केवल इसको जान लेने मात्र से, जान लेने मात्र से मानव अमर तत्व प्राप्त कर लेता है। अमर तत्व, अब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और गए का वर्णन हुआ है। भगवान ने कहा, यह गए अर्थात वह परमात्मा, अगर तूने जान लिया उसके काम करने का ढंग,
वह किस प्रकार से अवतरित हो जाता है, किस प्रकार से वह सहायता करता है, किस प्रकार से अदृश्य रूप से वह पालन पोषण करने वाला आप है। अगर यह तूने पूर्णतः मान लिया और इसे जान लिया, तेरे कर्म कलाप में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। अब कठिनाई कहां होती है? कठिनाई यही होती है, मानव कुछ क्षण के लिए मान लेता है कि वही पालनहार है, फिर अपना कि मैं करता हूं, बार बार उसमें प्रवेश भी करता है फिर बाहर निकल आता है। अब भगवान ने तो यह कह दिया कि ये जो ज्ञान मैं बतला रहा हूं इसको जानकर वह गए उस परमेश्वर को, जान करके वह इतना विलक्षण है, उसको जान लेने से ही मनुष्य अमर हो जाता है, केवल जान लेने से, अर्थात जन्म और मरण के प्रपंच से छूट जाता है और मोक्ष धाम को प्राप्त कर लेता है। यह भी एक विचित्र ही है कि केवल उसको जानने से ही, केवल उसको जानने से ही अमर तत्व प्राप्त हो जाता है, जिसके लिए मानव अमर तत्व व ब्रह्म व परमात्मा, जिसको प्राप्त करना मानव अतीव कठिन समझता है, अतीव कठिन, पता नहीं कितना यत्न करने पड़ेगा, कितने तप तपने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, जबकि उसकी प्राप्ति तो अतीव सरल है। गीता, श्रीमद् भगवद गीता 288 पृष्ठ 13वां अध्याय 7वां श्लोक। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को वर्णन करते हुए महाराज ने कहा, अब क्षेत्र मानव स्वयं इसमें क्या करना है, मान रहत, अमानपन, अदम्बता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरुजनों की सेवा, पवित्रता, स्थिरता, अपने आप का वशीकार, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य और इसी प्रकार अहंकार रहितपन और जन्म मृत्यु बुढ़ापा व्याधि दुख और दोषों को देखना, इनके होने को अवश्यंभावी जानना, कर्मों के फलों में ना फंसना, पुत्र स्त्री और ग्रह आदिकों में मोह का ना होना, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति पर सदा सम समचितपन और मुझ में अनन्य भाव से अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत स्थान का सेवन, जन समूह से उपरांपन विरक्त, आत्मज्ञान में स्थिरपन और वस्तुओं के वास्तव ज्ञान के आशय को समझना, ऐसा ये ज्ञान कहा है, ये समझ गया तो तू ज्ञानवंत, जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है। इन्हीं भावों का उल्टा अज्ञान कहा जाता है। क्या कहा था? अमानपन, अभिमान ना होना। अगर अभिमान है तो अज्ञानी है,
अगर दंभ दिखावा करता है तो अज्ञानी है, दूसरों को दुख देता है तो अज्ञानी है, क्षमा नहीं करना जानता तो अज्ञानी है, मन में सरलता नहीं है तो अज्ञानी है, गुरुजनों की सेवा नहीं करता है तो अज्ञानी है। जो जानने योग्य है, जिसे जानकर जन मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वह अब मैं कथन करूंगा। वह अनादि परम ब्रह्म है, वह सत असत नहीं कहा जा सकता, वह अपेक्षा रहित है, वह सब ओर से हाथ पैर वाला है, सब ओर से आंख सिर मुख रूप है, सब ओर से करणवान है और लोक में वह सब कुछ को व्याप्त करके विद्यमान है। लोकों में जो कुछ भी है उसकी शक्ति से है, उसने धारण किया हुआ है। वह सर्वशक्तिमान, निरपेक्ष, समर्थ और सर्वज्ञ है। उसमें सब इंद्रियों के गुणों का आभास, प्रकाश व शक्ति है, परंतु वह सब इंद्रियों से रहित है, अलिप्त है, सबका पालन करता है, प्रकृति के गुणों को भोगने वाला पालक नियंता है, सब भूतों के भीतर बाहर वह विद्यमान है, गतिमान है और स्वरूप में स्थिर भी है, सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, जाना नहीं जाता, वह अज्ञानियों से दूर है,